Hello dear viewers, I am your friend Vilashwan. You are watching Figures of Speech part 15. In this part we are going to learn tautology and pleonasm. चलिए शुरुआत करते हैं tautology से, things to remember. Number 1. The word tautology is derived from the Greek word tauto meaning the same and logos meaning a word or an idea. अब tauto का अर्थ होता है the same यानी वही चीज और logos का अर्थ होता है a word शब्द या फिर an idea यानी same thing या फिर same idea. Number 2. Tautology is the repetitive use of phrases of words that have similar meaning just in a different way. अब tautology में होता क्या है? एक ही बात explain करने के लिए, एक ही चीज बताने के लिए हम similar meanings वाले अलग-अलग phrases या words का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको अलग-अलग ढंग से, अलग-अलग तरीके से सामने रखे जाते हैं। अब देखते हैं pleonasm, things to remember. Number 1. Pleonasm is derived from a Greek word that means excess. Pleonasm का अर्थ होता है excess यानी अधिक या फिर ज्यादा. Number 2. It is the use of or abundance of redundant words but not necessarily wrong or confusing. यहाँ पर देखिए एक ही description के लिए हम कुछ अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे शब्द जो कि नहीं भी उनका इस्तेमाल किए फिर भी हम तक मीनिंग पहुँच जाता है, फिर भी उनका इस्तेमाल होता है. और ऐसे description को या फिर structure को हम wrong भी नहीं कह सकते या ऐसा structure confusing भी नहीं होता. उसे कहते हैं pleonasm. अब इन शॉर्ट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट टॉटोलॉजी रिपीट्स द वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस एग्जैक्टली हैविंग द सेम मीनिंग जस्ट इन अ डिफरेंट वे, व्हाइल प्लेनिज्म मेक्स यूज ऑफ एन अननेसेसरी ओवर अबंडेंस ऑफ रिडंडेंट वर्ड्स इन वन डिस्कशन. अब इन शॉर्ट हम याद रख सकते हैं कि टॉटोलॉजी में सिमिलर मीनिंग्स वाले अलग अलग शब्द या फ्रेजेस का इस्तेमाल बार बार किया जाता है और प्लेनिज्म में एक ही डिस्क्रिप्शन के लिए हम अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं एग्जांपल्स. सबसे पहले टॉटोलॉजी के एग्जांपल्स देखते हैं. शाउट इट शाउट इट शाउट इट आउट लाउड. अब देखिए यहाँ पे चिल्लाने की बात है और हम चिल्लाते तो लाउडली ही चिल्लाते हैं, जोर से ही चिल्लाते हैं, फिर भी यहाँ पर बात रिपीट की गई है. शाउट इट और लाउड मतलब लाउडली. तो इस तरह से यहाँ पर है टॉटोलॉजी. अगला एग्जाम्पल है आई लव ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज ओन लाइफ. अब ये ऑटोबायोग्राफी है मतलब उसकी आत्मकथा है, उसकी खुद की लाइफ के बारे में होगा, फिर भी यहाँ पर वही मीनिंग दोबारा यहाँ पर रिपीट हुआ है, हिज ओन लाइफ. चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं. नंबर 3. आई नीड अ न्यू हॉट वाटर हीटर. अब हीटर है तो वो हॉट करेगा ही पानी को, फिर भी यहाँ पर अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, हॉट भी है और वाटर हीटर भी है. इस तरह से टॉटोलॉजी का इस्तेमाल होता है. आगे बढ़ते हैं रिपीट दैट अगेन. अब रिपीट करना मतलब बार बार बताना या बार बार दोहराना, और अगेन अगेन यानी फिर से, यानी एक ही बात एक ही मीनिंग जो है तो अलग अलग शब्दों में यहाँ पर सामने रखी हुई है, इसलिए है यहाँ पर टॉटोलॉजी. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्लियोनिज्म. पहला एग्जाम्पल देखते हैं. नंबर 1. फॉर ब्रूटस एज यू नो वॉज सीजर्स एंजल जज ओ यू गॉड्स हाउ क्लियरली सीजर लव्ड हिम दिस वॉज द मोस्ट अनकंडेस्ट कट ऑफ ऑल. अब यहाँ पर देखिए मोस्ट भी है और यहाँ पर ईएसटी का भी इस्तेमाल है, इसका मतलब डबल सुपरलेटिव यहाँ पर है. अब ये बात अलग है कि शेक्सपियर जनरली क्या करते थे, यम्बिक पेंटामीटर में लिखते थे और इस लाइन को यम्बिक पेंटामीटर में रखने के लिए यहाँ पर मोस्ट भी है और अनकंडेस्ट भी है, लेकिन दोनों में से या तो ये हटा दो या ये हटा दो, मीनिंग में कोई फर्क नहीं गिरने वाला. तो इस तरह से अनावश्यक शब्दों का जब इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. Let me tell you this, when social workers offer you free, gratis and for nothing. इस तरह से आप देखिए free का अर्थ भी होता है मुफ्त, gratis का अर्थ भी होता है मुफ्त और for nothing उसका ही मतलब होता है free. तो इस तरह से अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर भी है. आगे देखते हैं नंबर 3. All this I saw with my own eyes. अब इस example में देखिए यहाँ पर ही हमें pleonasm मिलेगा. I saw मतलब मैंने खुद देखा, खुद देखा और फिर से क्या कहा गया है, माई ओन आइज, विथ माई ओन आइज, मैंने खुद की आंखों से देखा, यानी खुद देखा यहाँ तक काफी है, फिर भी विद माई ओन आइज ये जो है अनावश्यक शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल है, इसलिए यहाँ पर भी है प्लेनिज्म. अब हमारे डे टू डे लाइफ में हम कई बार ऐसे इस्तेमाल कर बैठते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं. देखिए पिन, हम क्या कह देते हैं, पिन नंबर, ऐसे कह देते हैं. तो ये पिन नंबर, अब ये एन जो है, ये जो है पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो ये नंबर के लिए एन है, फिर भी हम पिन नंबर बोल देते हैं जिसे हम पिन कोड कहना चाहिए. कभी कभी हम बोल देते हैं एटीएम मशीन, अब ये जो एम है, एम स्टैंड्स फॉर मशीन, फिर भी हम एटीएम मशीन कह देते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. ठीक है, इस तरह से भी एग्जांपल्स होते हैं. चले और भी प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. नंबर 1. बियॉन्ड द गैराज
were some decorative trees trimmed as carefully as dogs. Beyond them, a large greenhouse with a domed roof. Then more trees, and beyond everything, the solid, uneven, comfortable line of the foothills. Number 2. All this I saw with my own eyes, and it was the most fearsome sight I ever witnessed. I purged myself and was faint for an hour, purging myself yet again. Number 3. This is the way the world ends. This is the way the world ends. This is the way the world ends, not with a bang but a whimper. आगे बढ़ते हैं. Number 5. Charlie proudly told his mom he made the handmade scarf himself. Number 6. In my opinion, I think he is wrong. Number 7. They hiked to the summit at the top of the mountain. तो दोस्तों, इसमें से आपको चुनना है कि प्लेनिज्म के एग्जांपल्स कौन से हैं और टोटोलॉजी के कौन से हैं. यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सेंटेंसेस. सो फ्रेंड, इन दिस आई हैव ब्रॉट दिस कंप्लीट सीरीज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन 20 पार्ट्स एंड आई हैव डिस्कस्ड मोर देन 40 फिगर्स ऑफ स्पीच. सो प्लीज डू वॉच ऑल द 20 पार्ट्स एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर द वीडियोज. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू वेरी मच.